ये मौका है कुरुक्षेत्र के थानेसर में एलिवेटेड रेल ट्रैक प्रोजेक्ट की शुरुआत का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के बीच परियोजना की बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट से कुरुक्षेत्र को काफी फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट की खास बातों पर गौर करें तो प्रोजेक्ट पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा सरकार 125 करोड़ खर्च करेगी तो वहीं 100 करोड़ रुपए भारतीय रेल खर्च करेगा। साल 2020 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कैथल में भी एलिवेटेड रेल ट्रैक बनेगा। कुरुक्षेत्र की गिनती टूरिस्ट सिटी के तौर पर होती है। सदियों का इतिहास समेटे इस शहर में घूमने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत होने से यहां टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। R9 TV के लिए कुरुक्षेत्र से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।